इसमें हम इंटर रेटर और इंट्रा रेटर रिलायबिलिटी के कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। ये इससे पिछले मॉड्यूल्स में जो हमने रिलायबिलिटी की गुफ्तगू की उससे थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, इस सेंस में कि हमने इससे पहले जो टेस्ट की स्टेबिलिटी और टेस्ट की इंटरनल कंसिस्टेंसी की गुफ्तगू की वो टेस्ट के करेक्टरिस्टिक से मुतल्लिक थी, टेस्ट आइटम्स की, टेस्ट की गुफ्तगू थी। इंटर रेटर और इंट्रा रेटर अब ये टेस्ट की गुफ्तगू नहीं है, ये टेस्ट को मार्क करने वाले या रिसर्च इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करने वाले शख्स या एक से ज़्यादा अशखास की रिलायबिलिटी की गुफ्तगू है। इंटर रेटर का मतलब है अब मैं टेस्ट की बात नहीं कर रहा, एक रेटर और दूसरे रेटर एक ही चीज़ का डाटा दो लोग लेते हैं, मसलन क्लास ऑब्जर्वेशन है तो क्लास ऑब्जर्वेशन मैं करता हूँ और मेरे साथ मेरे 5-6 कुलीग बैठ के ऑब्जर्वेशन करते हैं, टूल सेम है हमारे पास तो क्या, और हम एक ही चीज़ को ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, टीचर के पढ़ाने के स्टाइल को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो देखिए मेरे सामने जो टीचर पढ़ा रहा है वो वैसे ही पढ़ा रहा है जैसे आपके सामने पढ़ा रहा है, आप भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, मैं भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ, टूल भी हम दोनों के पास सेम है, लेकिन हम अपनी ऑब्जर्वेशन के जो रिजल्ट्स रिकॉर्ड करते हैं वो ज़रूरी नहीं कि एक जैसे हों। असूलन आइडियली स्पीकिंग तो देखें ये होना चाहिए कि क्योंकि एक ही टीचर पढ़ा रहा है और हम सेम चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हमारे जो हम दोनों जो रिकॉर्ड करें उसका सबूत या उसकी जो हम रीडिंग लें वो एक जैसी आनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं क्योंकि इंडिविजुअल जो रिकॉर्ड कर रहा होता है उसके अपने इंटरेस्ट भी होते हैं, उसकी अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है, अपनी बायसेस होती हैं जो कि उसको फ़र्क डालती हैं रिकॉर्डिंग को, लिहाजा उन बायसेस को आइडेंटिफाई करना कि ये ना हो या कम से कम हो जाएं उसके लिए हम इंटर रेटर रिलायबिलिटी निकालते हैं। अगर मैंने किसी रिसर्च के लिए डाटा कलेक्ट करना है और मैंने 100 क्लासें ऑब्जर्व करनी है तो हर जगह तो मैं नहीं जा सकता खुद, तो मैं वहाँ फील्ड में भेजने से पहले जिन लोगों को भेजना है उनको पहले एक वीडियो रिकॉर्ड की हुई किसी लेसन की दिखाता हूँ और उन्हें कहता हूँ आप बैठ के सारे इसको ऑब्जर्व करें और अपने अपने रेटिंग अपने स्केल्स पे लिखें। उनमें से जिनकी रेटिंग्स एक दूसरे के करीब होती हैं मैं अपनी रिसर्च में उनको इस्तेमाल करता हूँ ताकि जो डेटा आए उसमें रेटिंग करने वाले की वजह से कोई फ़र्क आ रहा हो ये बात ख़त्म हो जाए, ये कम से कम हो जाए। तो इसलिए मैं उनको फील्ड में भेजने से पहले इंटर रेटर रिलायबिलिटी निकालता हूँ, यानी उन रेटर्स की आपस में कंसिस्टेंसी चेक करता हूँ ताकि जो डाटा आए वो ट्रस्टेबल हो। तो इंटर रेटर रिलायबिलिटी में बुनियादी तौर पे आप देखिए कि मुख्तलिफ रेटर्स के दरमियान, अब हम 5 लेट से रेटर बैठे हुए थे, हमने अपने अपने टूल पे अपना डाटा रिकॉर्ड कर लिया, मैंने भी ऑब्जर्व किया, दूसरे ने भी, तीसरे ने भी, और हर एक ने अपना अपना स्कोर दे दिया। उन स्कोर्स के दरमियान रिलेशनशिप देखते हैं और जिन लोगों के स्कोर्स के दरमियान रिलेशनशिप ज़्यादा होता है इसका मतलब है कि इनकी रेटिंग्स आपस में मिलती थी, जितनी ज़्यादा करीब होंगी दो लोगों की आपस में रेटिंग इतनी उनकी इंटर रेटर रिलायबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। और मैं अपनी रिसर्च में चाहूँगा कि उन लोगों को डेटा कलेक्शन में इस्तेमाल करूँ जिनकी इंटर रेटर रिलायबिलिटी जो है वो बेहतर होती है ताकि इनकी अपनी प्रेफरेंसेस की वजह से डेटे में फ़र्क ना आ रहा हो, तो इसको हम इंटर रेटर रिलायबिलिटी कहेंगे। दूसरा जो लफ्ज़ है इसमें इंट्रा रेटर रिलायबिलिटी ये है कि एट टाइम्स आप खुद भी ऑब्जर्व करते हैं ना किसी चीज़ को, तो थोड़े दिनों बाद आपको दोबारा उसको ऑब्जर्व करने को कहा जाए तो आपकी पहली ऑब्जर्वेशन और दूसरी ऑब्जर्वेशन आपस में 100% नहीं मिलते, यानी मेरे अपनी की हुई जजमेंट जो हैं किसी और पॉइंट ऑफ टाइम पे सेम चीज़ के बारे में मेरी अपनी की हुई दूसरी जजमेंट से आपस में नहीं मिलती, क्योंकि आज जब मैं ऑब्जर्व कर रहा था तो मेरा माइंडसेट कुछ और था, फिर थोड़े दिनों बाद दोबारा जब मैं उसी चीज़ को मेजर करने लगता हूँ तो एट टाइम्स मैं उसको दोबारा वो स्कोर नहीं देता जो पहली दफ़ा दिया था। मैं सिर्फ आपको टेस्ट जो हमारे रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स हैं इसको एक मिनट के लिए एक साइड पर रखिए, एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। मसलन मेरे पास क्वेश्चन मार्क होने के लिए आते हैं आपके टेस्टों के,
आपका टेस्ट आया, मैंने एक सवाल को मार्क किया, आज आपको 10 में से 6 नंबर दे दिए। हो सकता है महीने बाद आप वही क्वेश्चन दोबारा मुझे दें, उस दिन पता नहीं मेरी अंडरस्टैंडिंग क्या होगी, मूड क्या होगा। ज़रूरी नहीं कि मैं आपको दोबारा 6 ही नंबर दूँ, मुमकिन है मैं आपको 7 दे दूँ या 5 दे दूँ या 10 दे दूँ, 8 दे दूँ, फ़र्क नंबर दे दूँ। अगर मेरे अपने ही स्कोरिंग में एक वक्त और दूसरे वक्त में की हुई स्कोरिंग में डिफरेंस आ जाएगा तो इसको हम कहते हैं कि इसकी इंट्रा रेटर रिलायबिलिटी बुरी है, कम है। अगर आप खुद ऑब्जर्वेशन, किसी लॉन्गिट्यूडनल स्टडी है जिसमें मैं किसी टीचर की ऑब्जर्वेशन करता हूँ और मैं टीचर की एबिलिटी टू आस्क क्वेश्चन जो है स्टूडेंट से सवाल करने की सलाहियत चेक कर रहा हूँ, आज चेक करता हूँ तो जो मेयर देता हूँ वो टीचर की ये एबिलिटी टू क्वेश्चन जो है स्टूडेंट से सवाल पूछने की सलाहियत, ये तो फ़ौरन नहीं बदलती। हफ्ते बाद करूँ तो दोबारा वो मोर और लेस उतनी ही आनी चाहिए जितनी पहली दफ़ा आई थी, लेकिन अमूमन जब ये बदल जाती है तो इसका मतलब है ख़राबी टीचर की स्किल में नहीं है सवाल पूछने की, खराबी मेरे रिकॉर्डिंग के अंदाज में, मेरे उस डेटे को रिकॉर्ड करने में खराबी है, खराबी मेरे अंदर है, टीचर में नहीं है जो ये काम कर रहा है। तो मैं तो डेटा टीचर की स्किल पे ले रहा हूँ, अपनी खराबी की वजह से डेटा ख़राब नहीं करना चाहता। तो मैं चाहता हूँ कि पहले जब भी मुझे ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम वक्फे वक्फे से किसी एक ही फिनोमेना को चेक करना हो किसी टीचर में, बार बार वक्फे वक्फे से, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं पहले ये चेक कर लूँ कि मेरी अपनी यानी रिलायबिलिटी ऑफ स्कोरिंग कैसी है, यानी इंट्रा रेटर रिलायबिलिटी मेरी कैसी है। तो मैं ट्रायल में जब हूँगा, पायलटिंग में जब हूँगा, तो मैं किसी एक फिनोमेना को मल्टीपल टाइम्स ऑब्जर्व करूँगा, हर दफ़ा जो मैं स्कोर लगाऊँगा उन स्कोर्स के दरमियान रिलेशनशिप देखूँगा और ये इंश्योर करूँगा कि मेरी अपनी ही की हुई स्कोरिंग के साथ जो रिलेशनशिप है, कोरिलेशन है, मजबूत होना चाहिए, तब मैं कह सकूंगा कि मेरे इंट्रा रेटर लाइबिलिटी अच्छी है, तो मैं एक मुनासिब शख्स हूँगा उस पर, उस स्टडी में उस चीज़ के ऊपर डाटा कलेक्ट करने के लिए। तो जब आप अपने आप को अपनी की हुई रेटिंग के साथ को रिलेट करते हैं तो ये इंट्रा रेटर है। जब मुख्तलिफ रेटर्स, एक से ज़्यादा रेटर्स की मेजरमेंट को आपस में कोरिलेट किया जाता है तो ये इंटर रेटर लाइबिलिटी है। इन दोनों सूरतों में आप रेटिंग करने वाले की रिलायबिलिटी को चेक कर रहे होते हैं, ना कि टूल को असेस कर रहे होते हैं, ना कि जिसको ऑब्जर्व किया जा रहा है उसको असेस कर रहे होते हैं, बल्कि आप ऑब्जर्वर की या डाटा रिकॉर्ड करने वाले की, डाटा कलेक्ट करने वाले की आपस में, या एक शख्स की उसी की दूसरी रिकॉर्डिंग से साथ कंसिस्टेंसी को चेक करते हैं। सो इंटर रेटर में डिफरेंट रेटर्स होते हैं और इंट्रा रेटर में सेम रेटर मल्टीपल टाइम्स जो रिकॉर्डिंग करता है उसके दरमियान कंसिस्टेंसी देखी जाती है।